choose this sweater bazaar. Thank you India, thank you Ahmedabad. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीमा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल आकर जाती हूं व्लॉग्स में। और आज मैं आई हूं, ये आप मेरे पीछे देख ही रही हो, तिब्बतियन मार्केट। और आज मैं करूंगी तिब्बतियन मार्केट को एक्सप्लोर। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये है तिब्बतियन मार्केट जहाँ पर लगाया हुआ है, उसके बाहर का व्यू। तो ये इसका मेन डोर है, इसके बाहर कुछ ये बैठे हुए हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, खिलौने विलौने लेके। और बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। ये साबरमती नदी है, उसके किनारे पे ही है। एक बार मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे जो मेट्रो का एक बॉक्स रखा हुआ था, अब उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया कहीं और, ये तिब्बतियन मार्केट यहाँ पर लगा दी गई है। ये है इसके बाहर का व्यू। बहुत अच्छे से यहाँ पे हर चीज़ को मैनेज किया गया है। और बाहर इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम के लिए भी लगाया हुआ है बोर्ड। और ए से लेके आई थिंक क्या है जे तक, एल तक इन्होंने जो है अपने रो बनाए हुए हैं। ए बी सी डी से लेके के एल तक के रो हैं। और हर रो को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज किया हुआ है। साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। और बहुत भीड़ थी, मैं संडे के दिन वहाँ पे गई थी तो बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आके वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे थे। एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि एक ही रेट था, रेट में कुछ नहीं कि आपको लेना है तो लो, आपको अगर पसंद आ रहा है तो लो, नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और इन जो ये तिब्बत के जो लोग हैं, इनका बिहेवियर इतना पोलाइट, इतना मतलब इतना सॉफ्टली बात कर रहे थे ना, कि बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और इनका जो सामान था, यानी कि जो भी ये जो विंटर वियर है, बहुत अच्छी क्वालिटी के, डिज़ाइनर, हर तरह के, लेडीज़, जेंट्स, किड्स, जो भी है हाथ में पहनने के है, कैप है, जैकेट है, हर तरह के थे, हर वैरायटी के, हर डिज़ाइन के, बहुत अच्छे से थे। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ था। कुछ ये इनका ऑफिस है, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगाए हुए थे दलाई लामा के, जो भी इनके थे वहाँ के लोग, उनके फ़ोटोज़ लगाए हुए थे। तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत मतलब कि तिब्बत के लोग आके यहाँ पे इंडिया में बहुत हर जगह, आई थिंक हर एक सिटी में ये लोग अपना जो ये चलाते हैं तिब्बत जो मार्केट है ये लगाते हैं। और ये लोग 1 नवंबर से यहाँ पे इन्होंने ये तिब्बत मार्केट लगाई है और 31 जनवरी तक ये तिब्बत मार्केट लगा के रखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक दो से बात भी की, वो बोले कि हम सॉरी, हम जो है अपना फ़ोटो वोटो नहीं लेने देंगे। और तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपनी सारी बात बताई कि मैंने कहा कुछ लोग बोलते कि प्राइस ज़्यादा रखते हो, तो उन्होंने ये भी बोला कि प्राइस ज़्यादा नहीं है, हम भी यहाँ आते हैं, किराए पे रूम लेते हैं, वो भी महंगा है, खाने वाने का हमारा भी तो हमें खर्चा निकालना है, वहाँ से हम सामान लाते हैं, महंगा नहीं है, हमारी ही मेहनत है इसमें। तो फिर भी मैंने वहाँ से कुछ लिया, तो मैंने उनसे कुछ भी डिस्काउंट करने को नहीं बोला, क्योंकि वो मेहनत है, दिन रात बेचारे यहाँ आके मेहनत करते हैं, 3 महीने का ये कैंप लगा के रखते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो इतनी दूर से आके रहना करना बहुत बड़ी बात है। और बहुत इनका बिहेवियर इतना पोलाइट होता है कि बस इनसे बात करके ही मज़ा आ जाता है। और सामान तो आई थिंक सबको पता ही होगा, बहुत अच्छा होता है क्वालिटी वाइज भी। और क्वालिटी अच्छी होगी तो प्राइस तो देखो अच्छे होंगे ही। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको एक्सप्लोर करने की बहुत कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो चलिए अब आप एंजॉय कीजिए और मैं आपको इसको बाद मिलती हूँ। तो चलिए
आवा बनके इसका बोलो पिकू। हेलो। आपने क्या शॉपिंग किया? जैकेट लिया। आपको पसंद आया? तो जो मैंने पिकू के लिए शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। तो ये था मेरा यहाँ का टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लोर कैसा लगा। और तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।